दोस्तों मैं सुमित सिसोदिया स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सुमित द एक्सप्लोरर में। माँ गंगा की पावन लहरों के साथ मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, क्योंकि हर की पौड़ी से ही मैंने यात्रा शुरू की ऋषिकेश के लिए, जो कि होने वाली थी चिल्ला फॉरेस्ट कैंप से होकर और भी कुछ फॉरेस्ट पड़ेंगे राजाजी संपर्क के जो अलग अलग रेंजेस हैं। तो बने रहिए साथ, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। तो हर की पौड़ी से आकर छोले भटूरे खाने का मेरा मन हुआ, तो मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ चाय का। चाय के साथ छोले भटूरे का मजा ही कुछ होता है, और बहुत टेस्टी छोले भटूरे हैं यहाँ के। तो दोस्तों अब मैंने छोले भटूरे खाने के बाद खत्म करने के बाद मैं जा रहा हूँ होटल, और वहाँ से मैं अपनी आगे की जर्नी शुरू करूँगा। मेरे को सकती है रुकती है, क्योंकि सूरज जो है काफ़ी तेज़ी से स्मोक है, तो मुझे नहीं लगता मैं पहाड़ पे किसी पर जा पाऊँगा, क्योंकि उसके दो ही टाइम होते हैं, या तो आप शाम को जाइए या सुबह में जाइए। अपने एरिया में मेरे को आपकी सिर्फ दो ही चीज़ें, या तो हर या धर्मशाला या थोड़े से मंदिर। और यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वो बहुत डेवलप, इतना पैसा लोग ला के फेंकते हैं हर रोज, यहाँ पे मरते हैं तो जीते हैं तो घूमते हैं तो हंसते हैं, बहुत गंदी हो गई है। भैया 201 रूम में चेकआउट कर राजाजी नेशनल पार्क में इस समय पे जो आपने कार जो पीस देखी वो राजाजी नेशनल पार्क की थी। बाइक मेरी भी साथ में है, अकेला हूँ इस घनघोर घने जंगल में। एक दो गाड़ियाँ जरूर यहाँ से पास हो रही हैं, लेकिन खैर वैसे राजाजी नेशनल पार्क जो है वो हाथियों के लिए बड़ा कुख्यात माना जाता है, और इसीलिए मैंने अपनी बाइक जो है बंद नहीं की, क्योंकि जंगल का पहला रूल है कि आप जो भी आपके पास व्हीकल है आप उसका इंजन कभी बंद मत कीजिए, ताकि आपको इमरजेंसी में वहाँ से निकलना पड़े तो आपको देर ना लगे। तो पहली बात तो नीचे नहीं उतरना चाहिए, लेकिन उतर भी गया हूँ मैं, तो मैंने बंद नहीं किया। एंड करता हूँ आगे का सफ़र अब रिज्यूम अपना, और चिल्ला में मिलता हूँ आप सब लोगों से। लोग बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं,
केला था, भगवान शिव को प्रणाम, माता को प्रणाम। जामा मस्जिद भी इसी नाम में होता है। पानी का नाम नहीं है, पानी को और गंगा जी का सारा पानी जो है उनकी मेन स्ट्रीम हरिद्वार में बहती है वहाँ पर ले जाया गया और डाइवर्ट करके यहाँ पर देखिए है पानी। मैंने कहा ना बहते हुए पानी की बात ही सबसे ज़्यादा अलग है। बहते हुए पानी में जितनी एनर्जी और जितना एट्रैक्शन होता है इतना कभी किसी नहीं होता। नाइट में थोड़ा आवट होता है पर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंटिटी। यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं स्टेप पर। बढ़ चले चीला क्रॉस करके ऋषिकेश के लिए। ये यहाँ पे जल विद्युत गृह था, हाइड्रो पावर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट है और इसमें पानी है। वाओ क्या खूबसूरती है, क्या नज़ारा है। दोस्तों क्या मैं इंडिया में हूँ? सड़क के किनारे कितना अच्छा डिजाइन है, ऐसा लगता है हर चीज यहाँ की कैद कर लूँ कैमरे में कैद हो भी रही है। एंड वाव व्हाट अ स्लोप। वापसी में तो मजा आ जाएगा बाइक चलाते हुए। ट्रस्ट मी आई एम नॉट सो हैप्पी। यहाँ पर तो फ्रेंड्स ये चिल्ला डैम छोटा सा डैम है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एंड बहुत खूबसूरत जगह है। जो वाटर फ्लो है वो दिख रहा है वहाँ पर, दूर में आपको दिखेगा चिल्ला डैम। बहुत तेज़ हवा चल रही है, ह्यूमिड हवा है एंड थैंक यू मनोज जोशी ये सजेस्ट करने के लिए जगह मुझे।
शायद कोई रिवर बेड है पर पता नहीं पानी नहीं है, पता नहीं क्या है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। इसके नीचे से एक रिवर बह रही है। हाँ, ये तपोवन किधर पड़ेगा? तपोवन कितना आगे पड़ेगा लगभग? ये आपका जो है मतलब इसी रास्ते पे चलते हैं हम सीधे उससे आगे। थैंक यू। तो लक्ष्मण झूला तो इधर को तरफ दिखा रहा है। अच्छा अच्छा ऋषिकेश अपने आप में फेमस है यहाँ की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर फार्मास्यूटिकल की। अभी एम्स आ गया है तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऋषिकेश जो है इस पूरे उत्तराखंड में एक मेडिकल हब के तौर पे उभरा है, जहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश पहले से ही फेमस थे टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तीर्थ के पर्पज़ से। लेकिन अभी ऋषिकेश ने अपनी अलग पहचान बना ली है और वो है फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल के क्षेत्र में।